हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल विहान शर्मा 24 में फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अल्बर्ट म्यूज़ियम, जिसे सेंट्रल म्यूज़ियम भी कहते हैं, और ये सबसे पुराना म्यूज़ियम है राजस्थान स्टेट का। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये रास्ता वहीं की तरफ जा रहा है सेंट्रल म्यूज़ियम की तरफ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ब्यूटिफुल सीन है यहाँ पर सब तरफ। अल्बर्ट म्यूज़ियम जो है वो इनिशियली एज टाउन हॉल की तरह यूज़ होता था 1880 तक। फिर लेटर किंग ऑफ जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह सेकेंड ने सजेस्ट किया कि इसको म्यूज़ियम बनाना चाहिए फॉर इंडस्ट्रियल आर्ट्स। फिर इस म्यूज़ियम को हॉल की तरह यूज़ किया जाने लगा फॉर डिस्प्लेइंग मास्टरपीसेस ऑफ लोकल आर्टिशियंस। बिल्डिंग जो है वो राम निवास गार्डन में सिचुएटेड है, आउटसाइड द सिटी वॉल अपोजिट न्यू गेट, और ये एक फाइन एग्जांपल है इंडो सार्केनिक आर्किटेक्चर का। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूज़ियम। बिल्डिंग को सैमुअल जैकब ने डिज़ाइन किया था विद राजपूत इन्फ्लुएंस। पब्लिक के लिए ये म्यूज़ियम 1887 में खुल गया था। इसको अल्बर्ट म्यूज़ियम किंग एडवर्ड द 7th के नाम पर रखा गया था, ड्यूरिंग हुज विजिट टू द सिटी एज द प्रिंस ऑफ वेल्स। Its foundation stone was laid on 6 February 1876. आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो हमारे है वो अल्बर्ट म्यूज़ियम है। हम यहाँ पे आ गए थे और हमें बाहर इतने सारे कबूतर दिख गए। यहाँ पे शूटिंग भी चल रही थी। अभी जब हम यहाँ पर एंटर करने जा रहे थे तो टाइम ओवर हो गया था। हमें वहाँ पे जाके पता चला कि अभी अंदर एंट्री नहीं मिल सकती, तो हमने सोचा कि हम बाहर से ही इसे कवर कर लेते हैं ये बिल्डिंग, और कबूतरों से खेल भी लेंगे। तो यहाँ पे विहान कबूतर से खेलने में लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि विहान कबूतर से खेलना कितना इंजॉय कर रहे हैं। इधर उधर भाग रहा था कबूतरों के पीछे, उसे दाना देने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट विहान के हाथ में जो चिप्स थी वो सोच रहा था कि वो कबूतर चिप्स खाएंगे, तो पहले उसने कोशिश यही करी कि वो चिप्स दे दे ताकि वो चिप्स खाने लग जाएं, पर कबूतर तो भाग रहे थे, उससे डर रहे थे, और वो और उनको भगा रहा था, इधर उधर भाग रहा था। और पीछे ये देखिए आपको म्यूज़ियम पूरा दिखाई दे रहा है पीछे से, और काफ़ी सुंदर बिल्डिंग लग रही है देखने में। और यहाँ देखिए ये विहान इधर उधर मस्ती करते हुए, इधर उधर भागते हुए। यहाँ पे शूटिंग्स भी चल रही थी, तो काफ़ी वैसे भी सुंदर दिख रहा है, सीनिक ब्यूटी काफ़ी है। तो यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी चल रहे थे काफ़ी सारे, और ये देखिए यहाँ पे विहान खेलते हुए। कहीं भी आप जाइए, आपको कोई भी पक्षी दिखे या ना दिखे, पर कबूतर कई जगह पर ईज़िली आपको दिख जाते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में मिल जाते हैं। और यहाँ पे दाना भी लोग शायद डालते हैं, तो यहाँ पे दाना और पानी दोनों ही रखा हुआ था, इसलिए शायद यहाँ पे कबूतर भी इतने सारे थे और इनको भगाने में विहान को बड़ा मज़ा आ रहा था, और इधर उधर भाग रहा था इनके पीछे और सोच रहा था कि ये मेरे ऊपर भी बैठ जाएं। तो वो आ रहा था, कह रहा था तुम बदमाशी कर रहे हो, इधर आओ मेरे पास, मैं तुमको खाना दूंगा, इधर आओ मेरे पास। पर वो डर रहे थे विहान से, उन्हें क्या पता विहान की इंटेंशन क्या है, कि वो उन्हें प्यार करना चाहता है कि उनको हार्म करना चाहता है। तो वो बस डर के मारे भाग रहे थे इधर उधर, पर विहान उनके पीछे लगा हुआ था कि अभी मैं तुम्हें पानी दूंगा। फिर थोड़ी देर तक तो वो उनके आगे पीछे घूमा, फिर उसको लगा कि ये तो बार बार भागे ही चले जा रहे हैं, मेरे पास तो आ ही नहीं रहे। फिर कह रहा है तुम बदमाशी कर रहे हो, तुमको मैं पुलिस को दे दूंगा। फिर इधर उधर से डर के कबूतर फिर दाना खाने के लिए आते, फिर विहान उनके पीछे भागने लग जाता और बार बार यही बोल रहा था कि तुम बदमाशी कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इधर आओ कबूतर, मैं तुमको पानी दूंगा, मैं तुमको दाना दूंगा, ऐसे ही बोले जा रहा था। और ये देखिए यहाँ पर कितनी मस्ती है। उम्मीद करते हैं गाइस कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और विहान की मस्ती भी। हम आपके साथ जल्द ही अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तक तक ले बाय बाय, सी यू सून। जाओ फोटो बैग जल्दी आओ, नहीं नहीं इनकी खींचना, मैं अपनी नहीं खींचता।
हैं वो पॉइंट आपने मिस किया तो ये दिखा देता हूँ, जबकि घर को तो लंबा पड़ गया है। अच्छा वहाँ से वो 2 किलोमीटर था और मैं से हमें 2 किलोमीटर था जहाँ से घूमे थे। अच्छा अच्छा टाइम पास ही नहीं होगा तो सही बात है।